हाय फ्रेंड्स, आपको दिखाना चाहता हूँ कि TeamViewer का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं TeamViewer 5 डाउनलोड किया है, उसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद उसको रन कर दीजिए। जैसे ही आप उसको रन करेंगे तो यहाँ पर रन करने का इंस्टॉल किया, हम यहाँ पर रन ही करेंगे। एक्सेप्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। रन क्यों किया, उसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि जब आपको कोई लोअर वर्जन यूज़ करना है तो ऑनली रन कीजिए, क्योंकि आप इंस्टॉल कर देंगे तो अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपकी साइज भी डिक्रीज़ करेगा वो, इसलिए। और कई सारे वो उसमें प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं ऑनली रन कर रहा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी आपका दूसरा पार्टनर है उसका आईडी डाल दीजिए और कनेक्ट टू सर्वर करें, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी सिस्टम होगा वो आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। अगर आपको दूसरे पर्सन को देना है तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड आपके दूसरे पार्टनर को दे दीजिए, तो उस हिसाब से वो आपका सिस्टम उसके आप वो रिमोटली एक्सेस कर पाएगा। ऑनली इंटरनेट की उसमें ज़रूर है, इंटरनेट आपके पास दोनों सिस्टम में होना चाहिए, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में प्रॉक्सी सर्वर से नेट आ रहा है तो उस हिसाब से प्रॉक्सी और यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए, वो तो आप उसमें इंटरनेट रिमोटली एक्सेस करा दो। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों को बता दूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में डालते हुए उसे मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ। थैंक यू।